कैप्टन है उत्तपम, एक उत्तपम है जी उत्तपम, ठीक है हो गया। दोस्तों नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं के आने से रोज़गार भी बढ़ा है और कोई भी व्यक्ति किसी स्टेट से आता है, कहीं भी जाता है तो चाहता है कि मुझे वहां का प्रसाद मिले और जो खाना वहां का है वो चाहता है कि मुझे वहां से उस प्रकार का खाना मिले कि जो भी हमारे स्टेट में मिलता है। तो यहां के युवाओं ने और बिजनेसमैन दुकानदारों ने इस बात को पकड़ा है और धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे कि इडली डोसा हो या मसाला डोसा हो या उत्तपम हो, जो भी है इस प्रकार का फोन खाना भी अब यहाँ पर मिलने लगा है। भाई साहब नमस्कार, कंचन आप बन रहा ठीक ठाक? अच्छा कहाँ सीखा भाई साहब ने काम? मैं जी यहीं सीखा, मैंने रेस्टोरेंट इसके लिए रखा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ठीक चल रहा है? ठीक ही भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ उन ग्राहकों के पास में जो आए हैं यहाँ पे हैदराबाद से, कर्नाटका से, और उनसे भी बात करूँगा कि आपको यहाँ पर किस प्रकार से खाना लगता है। तो आइए उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं कई बार वीडियो में बोलता हूँ कि मैंने भी 7 साल के काम के वेटर का, आप लोग कहाँ से हैं? हैदराबाद। मुझे थोड़ा बोलने में समझाने में दिक्कत हो रही है तो मैं बगल में खड़ा हुआ, मैंने कहा मैं ऑर्डर देता हूँ। ओके बताइए बाप, समोसा कैसा लगा आपको यहाँ का स्थान? हाँ क्या क्या अच्छा लगा? कैप्टन है उत्तपम, एक उत्तपम है जी उत्तपम, ठीक है हो गया। और अभी इनका ऑर्डर भी मैं ले चुका था। आपका ऑर्डर आ चुका है, कैसा बना है? अच्छा बना है, मस्त बना है। कैसा तो नहीं कि बाद में बोलो मुझे मज़ा नहीं आया। तो ये देखिए लोग, हर कोई चाहता है कि हम जहाँ पे जाएं अपने स्टेट का फूड हमें मिले। क्यों सर, आपको हर जगह इस तरह का फूड मिल जाता है उत्तराखंड में? देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह का फूड आपको हर जगह मिल जाता है? इधर ही अच्छा है, इधर ही अच्छा है, है? इधर अच्छा है, इधर ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, सुपर क्वालिटी है, सुपर क्वालिटी है, अच्छा बहुत बढ़िया। आप भी हैदराबाद से? हाँ हम हैदराबाद से। हाँ कैसा लगा आपको यहाँ पर? अच्छा है। अच्छा लगा? हाँ लगा। क्या अच्छा लगा? पानी अच्छा लगा हमारा। और आइस का पानी दिखा, आइस का पानी है। और खाना दर्शन अच्छा होगा, अच्छा हो गया। और उत्तपम कैसा लगा यहाँ का? उत्तपम सुपर है। हाँ मसाला डोसा, मसाला डोसा भी अच्छा है। अच्छा बहुत, ये चौहान जी हमारे, आप भी तो हैदराबाद की भाषा बोल लेते फर्स्ट क्लास। अभी अभी हैदराबाद से आया हूँ भाई, है यहाँ पे जो खाना खाया बहुत अपना, बहुत ज्यादा बात न करो, सीधा सीधा बात ये है कि बहुत अच्छा खाना है इधर, काला बाउंड्री खा लो। देखिए कितना सुंदर व्यू यहाँ से दिखता है। तो चलिए कुल मिला के यही कहना चाहूँगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है रोज़गार के लिए, आप लोग भी तलाशें रोज़गार। और इस प्रकार से आज युवा जो कर रहा है वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बस शर्मा जी नमस्कार, काम नाम ठीक चल रही हूँ जी? बढ़िया है। आप ऐसे काम, ये होटल में आपको ये आपने बढ़िया काम कर रखा है, ये प्रसाद वगैरह रखा हुआ हमने। हाँ और ये स्थानीय प्रोडक्ट भी रखा हुआ है, प्रसाद भी, भोजन प्रसाद भी है, सेब का सुक्ता बनाते हैं, बढ़िया ये पूरे हर जगह जाता है और बॉक्स में भी रखते हैं और आदमी ले जाता है उसको जिंदगी भर याद रहता है कि मैंने गंगोत्री से कोई प्रसाद लाया है। तो पूरी वैरायटी प्रसाद भी रखते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन आप इस वीडियो को देखकर कुछ समझने का प्रयास करें कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आज अपार संभावना है रोज़गार की, बस हमें तैयार रहना होगा कि हम कैसे कैप्चर करें और हम टेस्ट दें, बेस्ट दें और मेहमानों को इज्जत दें। तो यहाँ पर जो है इनको आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोगों को रोज़गार मिलता है। योर एक्सपीरियंस? Yeah, my experience is very good. The food is very good here. I've seen YouTube videos and came here.